तुम लोहार हो क्योंकि तुम लोहा गर्म करते हो, तुम धोबी हो क्योंकि तुम कपड़ा धुलते हो, तुम जुलाहा हो क्योंकि तुम्हें कपड़े बुनने आता है, और तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुम वेदों का पाठ करते हो। झूठ, सफेद झूठ है ये जाति जन्म की सारी कथाएं। सबसे बड़ा इंसान तो वो है जिसने खुद को जान लिया। आज से तकरीबन 800 साल पहले दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के तट पर बैठ करके एक युवा विद्रोही कवि इन पंक्तियों को रच रहा था। 12वीं सदी के आसपास की बात रही होगी। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद एक बच्चा अपना जनेऊ तोड़ता है मात्र 8 साल की उम्र में। बुद्ध की तरह घर बार छोड़ करके निकल जाता है ज्ञान प्राप्ति में, और जब ज्ञान प्राप्ति करके लौटता है तो वह वेद, पुराण, उपनिषद, छुआछूत, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ दक्षिण भारत में क्रांति की जमीन रचना शुरू कर देता है। वह युवा कवि लिखता है कि सांप को पूजते हो और सामने आ जाने पर उसी सांप को मारने दौड़ते हो। कौन था वो युवा कवि? उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जमीन किस तरह की थी? उसने जाति के खिलाफ यह बिगुल बजाया सामाजिक क्रांति का, वह कैसे संभव हो पाया? कितना जानते हैं उस कवि के बारे में? जी, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे उसके चाहने वाले बसवेश्वर यानी भगवान कहते थे। जन्म के आधार पर कोई ऊंच या नीच, बड़ा या छोटा नहीं होता, जबकि वेदों ने जन्म के आधार पर इंसान इंसान को ऊंच या नीच में बदल कर रख दिया। इन्हीं से जातियां पैदा हुई और जातियों की वजह से मूर्ति पूजा और मंदिरों तक का अस्तित्व तो बनता चला गया। इसलिए हमें अगर जातियों को खत्म करना है, मूर्ति पूजा को खत्म करना है, मंदिरों और कर्मकांडों को खत्म करना है, तो वेदों को नकारना होगा। ये विचार थे 12वीं सदी के विचारक, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक बसव के, जिसे हम बसवन्ना या बसवेश्वर कहते हैं। बसवन्ना का अर्थ होता है बसव अन्ना यानी बसव रूपी बड़े भाई, और बसवेश्वर का मीन्स हुआ कि बसव के रूप में जो ईश्वर हमारे पास है। वो ईश्वर हमसे ये कहता है कि कर्म के आधार पर सब कुछ होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं, और इसलिए जाति के नाम पर भेदभाव, लैंगिक आधार पर पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव निहायत गलत है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। 12वीं शताब्दी का दौर था। दक्षिण भारत में कर्नाटक में कृष्णा नदी के तट पर एक क्रांति पनप रही थी बसव के रूप में, एक नया दार्शनिक विचारक चिंतक जो एक आधुनिक मन रखता था, आधुनिक दर्शन रखता था, एक गतिशीलता रखता था। शायद इस गतिशीलता को उसने उस कृष्णा नदी की गतिशील धारा से पाया था, महसूस किया था, और उसे अपने विचारों के जरिए समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया। बसव के जन्म को लेकर के, जन्मस्थान को लेकर के कई तरह के मतभेद हैं, मगर आम धारणा यह है कि इनका जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर जिले के बागेवाड़ी गांव में हुआ था। तकरीबन 8 वर्ष की उम्र रही होगी। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के नाते बसव का उपनयन संस्कार किया जा रहा था। धीरे धीरे बसव के भीतर जो एक क्रांतिकारी युवा पनप रहा था, उस युवा ने उस दिन उपनयन संस्कार के वक्त अपनी जनेऊ तोड़ दी और विद्रोह किया कि यह जातिवादी काम है, मैं इसे नहीं मानूंगा। और वह विद्रोही मन पनपते पनपते 16 वर्ष की उम्र में अपना घर बार छोड़ करके ज्ञान की तलाश में निकल पड़ता है, और जब वो वापस लौटता है तो एक कुडल संगम देव यानी निर्गुण निराकार आदि शिव रूप में ज्ञान को लेकर के आता है, और लोगों के बीच ये कहता है कि हे कुडल संगम देव, मैं अज्ञानी, ताल छंद को कैसे जानूं, सुर लय का गणित मुझे मालूम नहीं है, मैं मात्राओं की गणना से हूं कम परिचित, ओ सुख दुख से परे मेरे प्रभो, मेरा गायन मेरा प्रेम सब तुम्हें समर्पित। कुडल संगम, कुडल संगम उस जगह का नाम है जहां बसव को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कृष्णा नदी के तट पर, जहां मालप्रभा नामक एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, वहीं कुडल संगम जगह है। वो अपने आराध्य देव
और जगह के बीच रिश्ते को ये मानते हुए बताते हैं कि मुझे यही ज्ञान प्राप्त हुआ, यही उस आराध्य शिव के बारे में जानकारी हुई, इसलिए जगह का नाम भी कुडल संगम माना जाता है। आगे चल करके वो कल्याण शहर में वापस लौट जाते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन काल में सांसारिक गतिविधियों में लगते हैं। कालचुरी वंश के विचल्ला नरेश के यहाँ मुख्य खजांची की नौकरी तक करना शुरू कर देते हैं। नौकरी में शरीर तो होता है मगर वह एक आवरण की तरह होता है, क्योंकि मन के विचारों में एक ऐसा दार्शनिक क्रांतिकारी पल रहा था जो समाज के आडंबर, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ एक नई क्रांति का बीज बोना चाह रहा था। और इसका जरिया उन्होंने बनाया अपनी कविताओं को, जिन्हें वचन कहते हैं। वचन दक्षिण की एक लयात्मक यानी गाई जाने वाली शैली को कहते हैं, जिसमें जनभाषा यानी मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब के जरिए वह क्रांतिकारी कवि अपने कविताओं में जो विचार लेकर आता है वह मनुष्यता की बात करता है, वो सबके बराबरी की बात करता है, वो सब बराबर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, और हर तरह के मूर्ति पूजा, आडंबर, भेदभाव, छुआछूत, इन सब को खारिज करता है और कहता है कि ईश्वर को अपने भीतर महसूस करो। कबीर की परंपरा, नानक, रैदास, पलटू साहब, दादू साहब, भीखा साहब की परंपरा, बुल्ले शाह की परंपरा, बाबा फरीद की परंपरा, यानी भारत का एक शानदार भक्ति मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि यहाँ करवट ले रहा था अपने शुरुआती बीज वपन काल में, बसवन्ना के यहाँ भी फल फूल रहा था। जब बाद में चल करके कबीर ये कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में जाके सिर सब ढोर ढोन थे, अजहू फिरे बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करे दंडवती, तीन तने रविदास दासानुदासा। तो भक्ति आंदोलन की जो मूल चेतना थी ऐसा लगता है कि वो बसवन्ना के यहाँ आकार ले रही थी। बसवन्ना की कविताओं का अनुवाद करने वाले रामानुजन कहते हैं कि इनकी कविताएं किसी राजसत्ता यानी राजा या पुरोहित को संबोधित नहीं होती, उनसे टकराती नहीं है, वो सीधे ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। और वह कहती हैं कि ईश्वर को अपने भीतर महसूस करो। भक्ति परंपरा का अग्रदूत इसलिए इन्हें माना जाता है। बसवन्ना लिखते हैं कि मार्ग भक्ति का आरी की धार सा, आगे बढ़े तो चीरता है अंग, और वापसी की राह भी उतनी ही लहूलुहान है। यानी यह एक नए प्रकार की भक्ति, वह भक्ति नहीं जिसे बसवन्ना कहते हैं कि आप तो व्यापार कर रहे हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच यह भक्ति का व्यापार किसने शुरू किया, यह कर्मकांड आडंबर किसने शुरू किया? और उन्होंने इन सब को खारिज किया और कहा ईश्वर भीतर है। विचारों को जब वो व्यवस्थित करने लगे तो वहां से दो तरह की धाराएं निकलती हैं, वीर शैव धर्म की और लिंगायत धर्म की। ये दोनों धर्म को मानने वाले लोग अपने को बसों से जोड़ते हैं, मगर वीर शैव थोड़ा मंदिरों को भी मान लेते हैं, थोड़ा वेदों को भी मान लेते हैं, थोड़ा मूर्ति पूजा के यहां भी चले जाते हैं, लेकिन वो तमाम तरह के आडंबर और छुआछूत को नकारते हैं और समतावादी समाज बनाने लगते हैं। लेकिन लिंगायत धर्म के मानने वाले लोग असल में बसों के विचारों को जीने का काम करते हैं। बसों में जो क्रांतिकारिता थी वो लिंगायत धर्म के मानने वाले लोगों में दिखती है। लिंगम शब्द से बना है लिंगायत, और लिंगम शिव का प्रतीक एक छोटा चिकना पत्थर होता है जो ये लोग आदि शिव की पूजा करते हैं और उस पत्थर को ईष्ट लिंग को धारण करते हैं, धागे से बांधकर या शरीर में शरीर के पास रख करके उसे अपनाते हैं। बसों ने अपने अनुयायियों को कहा कि अगर आपको लिंगायत धर्म को मानना है, हमारे विचारों का अनुसरण करना है, तो आपको ये सात काम जरूर करने होंगे। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध से दूर रहना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, दुख का सामना करना और अहंकार से कोसों दूर रहना। और बसव की पूरी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना के भीतर जो मूल तत्व है वह है कल्याण, जिसे अंग्रेजी में वेलफेयर कहते हैं। और हमको पता है कि आज जो लोकतंत्र का जो ढांचा हमारे सामने संसदीय लोकतंत्र का है उसके भी कोर में है वेलफेयर स्टेट। बसवन्ना एक ऐसा मानवता पर आधारित समाज बनाना चाहते थे जिसमें सबका कल्याण हो।
उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी कविताओं में बसवन्ना घड़ों कंघों तीर धनुष और प्यालों में पाए जाने वाले भगवान की आलोचना करते हैं, मूर्ति पूजा को खारिज करते हैं और कहते हैं कि वो आपके भीतर है। हर तरह के आडंबर छुआछूत को खत्म करने की बात करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम जो था जाति के खात्मे की बात। बसवन्ना जाति के खात्मे की बात केवल विचारों में नहीं कहते, वो अंतरजाति विवाह अंतरजाति सहभोज को प्रैक्टिस में यानी व्यवहार में लाने की बात करते हैं। उसी समय की एक घटना मिलती है कि एक ब्राह्मण लड़की की का विवाह एक अछूत लड़के के साथ किया जा रहा था और बसवन्ना के मानने वाले लोग इस विवाह को करा रहे थे ताकि जिन भक्तों को विचारों को हम कहते हैं अब उन्हें समाज में ले चलने की जरूरत है। लड़की जिस ब्राह्मण तबके से आती थी उसी के गोत्र कुल गोत्र के लोग राजघराने से संपर्क रखते थे। कुछ किस्सों में तो मिलता है कि राजा खुद उसी वंश का था। राजा ने बारात पर हमला करवा दिया, बारातियों की आंखें निकलवा ली गईं, उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया और दूल्हे व दुल्हन को रास्ते पर घसीटा गया तब तक जब तक उनका दम न निकल गया। यह बात जैसे ही बसव के मानने वाले अनुयायियों तक पहुंची पूरे इलाके में दंगे फैल गए, राजा मारा गया और वहीं से यह पूरा संप्रदाय भी बिखर सा गया। वीर शैव संप्रदाय बिल्कुल अलग हो गया, लिंगायत संप्रदाय अलग हो गया और माना जाता है कि उसी समय के बाद बसव भी शहर छोड़ देते हैं और कुछ वक्त बाद यानी तकरीबन 1167 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। 21वीं सदी की युवाओं के सामने जब मैं पाठशाला में बसवन्ना की बात कर रहा हूं तो इसकी दो वजह हैं, बसवन्ना के विचार क्या कहते हैं और बसवन्ना जिस समाज को बनाना चाहते थे क्या वह समाज हम बना पाए, क्या आज भी अंतरजाति विवाह को यह समाज स्वीकार कर पाया है, ऑनर किलिंग से लेकर के दलितों के घोड़ी चढ़ने जाने तक पे हमला करने का समाज बसवन्ना को क्यों नहीं अपना पाया, यह सवाल मेरा 21वीं सदी की युवाओं से। आज कृष्णा नदी के बहाव में थोड़ा बदलाव आ चुका है, कृष्णा नदी उस जगह से थोड़ा हट गई है जिसे कुडल संगम कहते हैं, मगर वहां जाते हैं लोग, वहां आज भी उस कुटिया उस आश्रम में सिर झुकाते हैं जहां बसव ने अपने विचारों को धार दी थी, समाज को बदलने की कोशिश की थी। उन लोगों में चुनावी दौर में कुछ राजनेता भी होते हैं, वे राजनेता जो वैचारिक तौर पर तो उस विचार को मानते हैं जिस विचार को बसवन्ना खारिज करते हैं उसके खिलाफ खड़े थे, बसवन्ना की मूर्तियों पर माला पहनाने वाले नेता उस विचार को मानते हैं जो वेदों को सबसे प्रमुख ग्रंथ मानता है, बसवन्ना की मूर्तियों को सामने से माला पहना करके उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करने वाले लोग, क्या मूर्ति पूजा ईश्वर और आडंबर जातिवाद के विनाश की बात करते हुए कभी दिखेंगे? यह अंतर विरोध हमारे दौर का है क्योंकि ये नेता बसवन्ना के मानने वाले लिंगायत धर्म के लोगों को जिनकी आबादी तकरीबन 70-80% दक्षिणी कर्नाटक में महाराष्ट्र आंध्रा व तेलंगाना में पाई जाती है उन्हें वोट बैंक समझते हैं। क्या ऐसे ही हमने अपने राष्ट्र निर्माता महापुरुषों के साथ बदसलूकी नहीं की है? क्या यह वैचारिक घात नहीं है? क्या अकादमिक संस्थानों में बसवन्ना को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था? क्या वैसा समाज बनाना हमारा मकसद नहीं है क्या? इसलिए सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज बसवन्ना पर बात की हमने। जाते जाते सोचिएगा जब बसवन्ना इन पंक्तियों को आपके बीच आज भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कोने खड़े होकर कह रहे होंगे, माला पहनाती हुई मूर्तियों पर नेताओं को और बसवन्ना का नाम लेकर के वोट मांगने से लेकर के उनको जीने वाले लोगों को। बसवन्ना कहते हैं अमीर लोग शिव के मंदिर बनवाएंगे मगर मैं गरीब क्या करूंगा, मेरे पांव स्तंभ हैं, काया मंदिर मस्तक स्वर्ण शिखर है, सुनो हे कुडल संगम देव, जड़ चीजें गिर जाएंगी वही बचेगा जो चलायमान है। जी हां, वही बचेगा जो चलायमान है, जो सजीव है, जो जिंदा है। ठस चीजें मूर्तियां वेद पुराण जातिवाद कर्मकांड स्त्री पुरुष भेदभाव इन सब ने मनुष्यता का जितना नुकसान किया है इन कवि की पंक्तियों में बसवन्ना जैसे प्रतीकों ने उससे उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, मगर अफसोस कि हमने 21वीं सदी के युवाओं तक उन विचारों को आने ही नहीं दिया, सिलेबस में नहीं लगाया, उन पर बात नहीं की और उनकी किताबों को अनुदित करके घर घर नहीं पहुंचवाया क्योंकि हम उनके विचारों को मारना चाहते हैं और व्यक्ति की पूजा करना चाहते हैं।
आपको ये बातचीत कैसी लगी? आपको और जानना चाहिए बसवन्ना के बारे में, इन सारी चीजों के साथ साथ और पढ़िए और जानिए। कम समय में मैंने बहुत बुनियादी परिचय दिया है, आपको ये परिचय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ये बातें अच्छी लग रही तो लोगों तक पहुंचाइए। अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए शख्सियत, किसी और व्यक्तित्व के साथ, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से